है तो चलो स्वागत है इस नई वीडियो में। आज की हम कंपैरिजन करने वाले हैं P90 वर्सेस ऑल SMG गन्स। ऑल गन्स का हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑल गन्स से करेंगे तो वो अनफेयर होएगा, तो हम सारी SMG गन्स से करेंगे, जो भी SMG आम ऊपर चलती है गन्स सारी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे लोगों को नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ से लोग बता रहे हैं हम सब उसका कंपैरिजन करेंगे, तो हम पहले करते हैं P90 वर्सेस MP40। सो मैच बिगेंस नाउ। तो पहले हम इसमें देखते हैं डैमेज। तो डैमेज दोनों का सेम है, डैमेज में कोई नहीं जीतता, ड्रॉ गया मैच। रेट ऑफ फायर भी दोनों का सेम तो नहीं है, रेट ऑफ फायर में जीतती है MP40। MP40 को मिले 1 पॉइंट। और रेंज में देखें तो रेंज में MP40 के 22 रेंज है और इसकी MP90 की 27। तो यहाँ पे P90 को भी 1 पॉइंट मिल गया। और मैगजीन में देखें तो मैगजीन 20 हो जाए इसकी MP40 की और इसकी है 50। तो यहाँ पे इसको 2 पॉइंट मिलते हैं। और एक्यूरेसी में देखें तो एक्यूरेसी इसकी है MP40 की 17 और हमारी P90 की है 37। तो यहाँ पे इसके यहाँ P90 के 3 हो गए और इसके 1 हो चुके। और रिलोड स्पीड इसकी है MP40 की 48 और इसकी भी MP90 की 48। और इसकी में आप स्कोप भी लगा सकते हो P90 में, और इसमें आप स्कोप नहीं लगा सकते बस मैगजीन लगा सकते हो। तो इस मैच में जीतती है P90 और MP40 एलिमिनेट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे बारी है P90 वर्सेस UMP। तो P90 का डैमेज है 48 और इसका डैमेज भी 48 है, दोनों में अभी कोई नहीं जीता। और रेंज की बात करें तो रेंज है 31 UMP की और रेंज P90 की 27 है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट मिलता है UMP को। और मैगजीन की बात करें तो मैगजीन है 30 UMP की और इसकी है 50। तो यहाँ पे जीतती है P90 1 पॉइंट से। यहाँ पे दोनों के 1-1 पॉइंट हो गए। और रेट ऑफ फायर में देखें तो इसका 75 रेट ऑफ फायर है और इसका भी रेट ऑफ फायर 75 है। तो यहाँ पर ड्रॉ हो गया मैच, यहाँ पर कोई नहीं जीता। और रिलोड स्पीड में UMP की रिलोड स्पीड 62 है और इसकी 48 है। और एक्यूरेसी P90 की 37 है और इसकी 24 है। तो यहाँ पे रिलोड स्पीड में जीत गई हमारी UMP, इसको 2 पॉइंट मिले। और एक्यूरेसी में यहाँ पे हमारी जीत गई है P90, तो इसको भी 2 पॉइंट मिले। तो यहाँ पे मैच ड्रॉ हो गया, यहाँ पे कोई नहीं जीता। पर अटैचमेंट्स की बात करें तो साइलेंसर, म्यूजिल, फॉर ग्रिप, मैगजीन, स्कोप भी लग सकता है UMP में, और P90 में बस स्कोप और मैगजीन लग सकता है। तो यहाँ पे हमारी UMP जीतती है, तो P90 एलिमिनेट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम P90 वर्सेस MP5 की बात करते हैं। डैमेज है दोनों का सेम, रेंज भी दोनों की सेम, और मैगजीनियम दोनों की सेम नहीं है। P90 की ज़्यादा है मैगजीनियम और इसकी मैगजीन कम है, इसकी 30 है, इसकी 50 है। तो यहाँ पे P90 को 1 पॉइंट मिल गया। और रेट ऑफ फायर की बात करें तो रेट ऑफ फायर है P90 की 75 और रेट ऑफ फायर है MP5 का 69। तो इसमें रेट ऑफ फायर में जीत जाती है P90, यहाँ पे इसकी 2 पॉइंट हो चुके हैं। और रिलोड स्पीड में MP5 जीत गई क्योंकि इसकी 62 रिलोड स्पीड है, इसकी 48। तो यहाँ पे इसको 1 पॉइंट मिल चुका है। और एक्यूरेसी में भी MP5 ज़्यादा है क्योंकि इसकी 53 एक्यूरेसी है और इसकी है 37। तो यहाँ पे दोनों को 2-2 पॉइंट हो चुके हैं। और साइलेंसर में बात करें तो यहाँ पे हम साइलेंसर लगा सकते हैं MP5 में, म्यूजिक लगा सकते हैं, फोर ग्रिप लगा सकते हैं, मैगजीन लगा सकते हैं, स्कोप लगा सकते हैं। और इसमें P90 में सब मैगजीन और स्कोप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी MP5 जीत चुकी है इतनी सारी अटैचमेंट्स की वजह से। P90 एक और बार एलिमिनेट हो चुकी है, 2 बार हार चुकी है। अब रहती है बस VSS, देखते इसे जीतती है कि नहीं। तो यहाँ पे हम डैमेज की बात करते हैं P90 वर्सेस VSS में। यहाँ पे P90 का डैमेज है 48 और VSS का डैमेज है 50। तो यहाँ पे पहले में VSS ने हरा दिया इसको P90 को। यहाँ पे 1 पॉइंट हो चुके हैं VSS के। और रेंज की बात करें तो रेंज है इसकी 84 और इसकी 27 P90 की।
और VSS की 84। वाओ कितनी बढ़िया रेंज है। और मैगजीन की बात करें तो मैगजीन है इसकी 15 और इसकी है 50। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला है इसको बस अभी तक, उसके दो पॉइंट अभी भी। और रेट ऑफ फायर में भी ये P90 जीत चुकी है, क्योंकि इसके इसकी रेट ऑफ फायर 75 और इसकी है 48 VSS की। और रिलोड स्पीड में P90 फिर हार गई, यहाँ पे इसके तीन पॉइंट हो चुके हैं VSS के। रिलोड स्पीड है इसकी 55 VSS की और इसकी रिलोड स्पीड है 48। और एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी है P90 की 37 और इसकी है 90। माय गॉड। और अगर हम यहाँ पर अटैचमेंट्स की बात करें तो P90 में मैगजीन और स्कोप लगते हैं, सब लोगों को पता ही है। और इसमें भी स्कोप नहीं लग सकता VSS में, और मैगजीन लग सकता है। तो यहाँ पर लास्ट रिजल्ट निकल के आता है VSS जीत गई इससे, क्योंकि इसके चार पॉइंट है। वो पहले भी हार चुकी थी, पॉइंट्स में भी हार चुकी है, और अटैचमेंट पे हमारी P90 जीत चुकी है। तो यहाँ पे VSS ज़्यादा बढ़िया कर रहा है इस पर रेट ऑफ फायर में हमारी P90 आगे थी, आगे है और आगे रहेगी, और MP40। तो यहाँ पे कोई भी गन बेकार नहीं है, इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। पर यहाँ पे मैंने जैसे पॉइंट निकाला है उसी के हिसाब से वैसे देखते सब लोग गन कैसी है। तो यहाँ पे बस MP40 से ही बढ़िया गन है ली P90। तो MP40 सबकी बाप है वैसे ही बताओ तो, उसमें स्कोप ही नहीं लगता बस, उनमें तो वो खतरनाक गन है। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो अच्छी बात है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाएं, ताकि आप लोगों को हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।